आकांक्षाओं को उड़ान देने की कोशिश। पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ चल रहे हैं पिछले 3 दिन से। 15 तारीख को ये लॉन्च हुआ है और संकल्प यात्रा का ये मकसद है, ये कोशिश है कि भारत को 2047 तक जो हम विकसित देश बनाना चाहते हैं उसमें सारे देश की तरक्की हो। दूर दराज के गांव के पहाड़ों के लोग जो हैं, अगर उन तक कोई स्कीम नहीं पहुंची है तो उसके बारे में भी उनको जानकारी मिले, और हमारे साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो भी हैं, वो स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं। कोशिश ये है कि अगर कोई स्कीम किसी तक नहीं पहुंची है और वो उसका हकदार है तो उस तक वो स्कीम पहुंचे, ये भारत सरकार की एक कोशिश है। कितनी जरूरी थी सर ये ऐसी यात्रा जो निकाली है, कितनी कामयाब मान रहे हैं आप? ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि लोगों के डोर स्टेप पर जाकर गांव-गांव में जाके हम उनको अवेयर कर रहे हैं, जो कि हमारा काम है। क्योंकि जब लोगों में जानकारी होगी, अवेयरनेस होगी, तभी तो वो उन स्कीम्स का लाभ उठा पाएंगे जो भारत सरकार ने चलाई है उनके लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर एक गांव के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी पहुंचे जिससे फार्मर्स अपनी खेतीबाड़ी को आधुनिक रूप दे सके। इसी के तहत हम यहां ड्रोन का डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हैं। हमारे पास गरुड़ा एरोस्पेस कंपनी का किसान ड्रोन है, इसका कुल वजन 25 किलो होता है और ये स्मॉल कैटेगरी का ड्रोन है और इसको कोई भी लाइसेंसधारी ड्रोन पायलट इसको उड़ा सकता है। और इस ड्रोन की मदद से हम एक एकड़ या 8 कनाल जगह सिर्फ 10 मिनट में कर सकते हैं और ये ऑटोनोमस फ्लाई करता है। हमें सिर्फ खेत का नक्शा फीड करना है और ये ड्रोन अपने आप उड़ के वहाँ पे स्प्रे करके वापस आ जाएगा। तो हम इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हैं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।